Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharad More English School. So today I'm going to teach you history 10th chapter last part. Okay. Revolutionary movement, na? And the last part of this start from here. Attack on Chittagong Armory. Surya Sen was the chief of the revolutionary group at Chittagong in Bengal. Yes, so here Surya Sen was the chief. Means इन्होंने भी क्या कहते हैं एक revolutionary group start किया था कहाँ पर Chittagong Bengal में Surya Sen ने. He had gathered around him revolutionaries like Anand Singh, Ganesh Ghosh, Kalpana Datta, Priti Lata, Vadedar, with their assistance. Surya Sen drew up a plan to attack the आर्मोरी एट चित्तागोंग. यस, यहाँ पर क्या कहते हैं इन्होंने सूर्या सेन ने, इन्होंने जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे वहाँ पर बंगाल में तो उन सबको एक साथ गैदर किया था, जैसे आनंद सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्ता, प्रीति लता वाडेकर और उनके जो असिस्टेंट्स थे उनको सबको एक साथ क्या किया था, गैदर किया था. ओके, यस. सो इन्होंने क्या डिसाइड किया था, मतलब क्या प्लान किया था कि जो आर्मोरी मतलब जो ब्रिटिश लोगों की जो आर्मोरी आर्मोरी मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर लोग अपनी वेपन्स रखते हैं. ओके, तो चित्तागोंग में जहाँ पर ये प्लेस थी आर्मोरी, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे. ओके, ये किसका प्लान था, सूर्या सेन का. उनके जो उनके साथ जो रेवोल्यूशनरीज ज्वाइंट हुए थे उन सबका उन सबसे मिलकर ये प्लान उन्होंने बनाया था. As per the plan, on 18 April 1930, the revolutionaries seized the arm from the two armories in Chittagong. Yes, so ये plan के through है ना, ये plan के through मतलब ये plan को follow करते हुए उन लोगों ने क्या किया, 18 April 1930 में जो भी revolutionaries थे उन लोगों ने क्या किया, they seized the arm, उन्होंने वहाँ के arm को seize कर लिया. कहा कि जो two armories थी Chittagong में, तो वहाँ से उन्होंने arms को seize कर लिया था. okay. The telephone and telegram line were broken and they succeeded to paralyzing the communication system. Yes, तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब ये तो ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ के जो आर्म्स थे वो ले लिए थे ना, जो टू आर्मोरीज थी चित्तागोंग में वहाँ के आर्म्स उन्होंने ले लिए थे, प्लस उन्होंने क्या किया था, टेलीफोन और टेलीग्राम की जो लाइन थी वो भी क्या कर दिए थे, कट कर दिए थे, है ना, ताकि मतलब लोगों को अगर मतलब जैसे अगर कहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ना दूसरे प्लेस के साथ और इन लोगों का अरेस्ट करवा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, वो भी एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट में. तो इसलिए उन्होंने ये जो सर्विस थी टेलीफोन और टेलीग्राम की, ये क्या कर दी थी, ब्रोक करवा दी थी. एंड दे सक्सेसफुल इन पैरालाइजिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम, और इससे क्या हो गया था, इन लोगों को ये सिस्टम को बंद करने में सक्सेस मिल गया था. आफ्टर दैट डे गेव अ ट्रेलिंग फाइट इन द ब्रिटिश आर्मी, फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ट्रेलिंग फाइट की थी ब्रिटिश आर्मी में. ऑन 16 February 1933 सूर्य सेन एंड सम ऑफ हिज एसोसिएट्स वेयर कैप्चर्ड बाय द पुलिस. यस, अब सूर्य सेन और उनके कुछ जो एसोसिएट्स है वो क्या हो गए थे, कैप्चर्ड हो गए थे. किसके किसके वजह, किसके थ्रू, जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने उनको कैप्चर कर ली थी, पकड़ ली थी. ओके, सूर्य सेन एंड हिज 12 एसोसिएट्स वेयर गिवन डेथ पनिशमेंट. कल्पना दत्ता वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रीजमेंट. यस, अब सूर्या सेन और उनके साथ उनके एसोसिएट को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया गया था, राइट. तो यहाँ पे सूर्या सेन और उनके जो 12 एसोसिएट्स है ना, उन लोगों को डेड की मतलब फांसी की सज़ा दे दी गई थी, राइट. और जो कल्पना दत्ता थे उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी. ओके, प्रतिलता वाडेकर किल हरसेल्फ विदाउट फॉलिंग इन टू हैंड ऑफ द पुलिस. यस, अब देखो जो प्रतिलता वाडेदार थी इन्होंने अपने आप को ही क्या कर दिया था, मार दिया था. मीन्स शी किल्ड हर सेल्फ, क्यों, क्योंकि उनको पुलिस के हाथ में नहीं जाना था, इसके लिए उन्होंने अपने आप को ही मार दिया था. ओके, सो ड्यू टू द अपराइजिंग इन चित्तागोंग द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट गेन पेस. शांति घोष एंड सुनिधि चौधरी, दीज टू स्कूल गर्ल्स किल द डिस्ट्रिक्ट जज, वेयर एज अ यंग गर्ल बीना दास शूट डेड द गवर्नर ड्यूरिंग द कॉन्वकेशन सेरेमनी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी. यस, अब ये जो रिवोल्यूशनरी सिस्टम जो चल मतलब सॉरी ये जो इन्होंने जो सिस्टम बनाए थे ना, जो सूर्या सेन ने जो बनाए थे, मतलब ये मतलब उन्होंने जो अपनी एक जो रिवोल्यूशनरी से उनको मिलाकर अपना एक जो गैंग
मतलब अपना जो एक ग्रुप फॉर्म किया था, तो मतलब ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ था। इन लोगों ने बहुत सारा वर्क भी किए थे, है ना। तो ये एक मतलब अच्छे डायरेक्शन में जा रहा था। तो वही टाइम पे क्या होता, देखो एक टू स्कूल गोइंग गर्ल थी, शांति घोष और सुनिधि चौधरी, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे कहा कि चित्तोगों के, तो उनको इन्होंने मार दिया था, राइट। एंड वेयर एज अ यंग गर्ल बीना दास, और वहीं पर क्या हुआ था, एक बीना दास गर्ल थी, तो उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट को मार दिया था, किल कर दिया था, उनको भी डेड कर दिया था। जबकि कौन सा टाइम पे ये था, जब वहाँ पर कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, तो वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी वहाँ पे हो रही थी, कहाँ पे, कोलकाता यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको मार दिया, किल कर दिया था। ओके, सरदार उद्धम सिंह किल डियार द ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसर इन लंदन इन 1940 इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। यस, अब जो सरदार उद्धम सिंह, इन्होंने किसको किल किया था, ही किल डियार, जो कि क्या थे, ऑफिसर थे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, कहा कि जलियांवाला बाग जो था कहाँ पे, लंदन में 1940 में, तो वहाँ के जो ऑफिसर थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, तो उनको उनको किल कर दिया था इन्होंने, किसने, सरदार उद्धम सिंह ने। ओके, अब ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था, तो ये मतलब ऑब्वियसली ये जो रिवोल्यूशनरीज थे और इन्होंने जो जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे, तो इनका एक तरीके का बहुत ही बड़ा क्या है, कंट्रीब्यूशन है फॉर आवर फ्रीडम, है ना। हम लोगों को जो फ्रीडम मिला है, तो क्यों मिला है, क्योंकि इन लोगों ने अपना बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करे फ्रीडम स्ट्रगल में। इसी की वजह से हम लोगों को आज जाके क्या मिला है, फ्रीडम मिला है। दिस रिवोल्यूशनरीज डिस्प्लेस डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट कर सेक्रीफाइस किए फ्रीडम के लिए और अपनी कंट्री को फ्री करवाने के लिए ब्रिटिश रूल से, तो ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, है ना, तो ये एक तरीके से क्या डिस्प्ले करते थे, उनके अंदर जो डेयरिंग थी, उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन था ब्रिटिश से फाइट करने का, वो सब वो डिस्प्ले करे थे, दिखाए थे ना उन्होंने ये सारी चीज़ें उनके अंदर की। द लव फॉर द नेशन एंड एटीट्यूड ऑफ सेक्रीफाइस वॉज जस्ट इनकम्पेरेबल। यस, ऑब्वियसली उनका जो प्यार था नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए, और उनका जो एटीट्यूड था सेक्रीफाइस करने का, तो ये क्या था, इट इट वॉज जस्ट इनकम्पेटेबल। ओके, देयर सेक्रीफाइस प्रूव टू बी एन इंस्पिरेशन टू द इंडियन। ऑब्वियसली उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ को, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये क्या है, मतलब ऑब्वियसली ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, तो ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशनल है, इंस्पिरेशन है ना। मतलब जितने भी इंडियंस पीपल हैं उनके लिए क्या है, ये एक इंस्पिरेशन है। ओके,